ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक और, बेलारूस में रूसी हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेलारूस को हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से वॉर ड्रिल्स भी चल रही थी रशिया की, लेकिन यूक्रेन रूस संकट के बीच ये हैरान करने वाली तस्वीर, बेलारूस में रूस ने 50 अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस अगर आप देख रहे हो तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। लीरा एयरफील्ड पर 50 रूसी हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड में है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस की तैनाती की जो पोल है वो पूरी खुल गई है। अब ये जो वॉर डायनामिक्स हैं, आप, मैं यहां पर एक सवाल पूछ रहा हूं जनरल साहब आपसे, रशिया के जो करीब 300 प्लस मिसाइल्स तैनात हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट किया है, बेलारूस में वॉर एक्सरसाइज, क्रीमिया में वॉर एक्सरसाइज, लेकिन बेलारूस में अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि रशिया को, यूक्रेन तो सॉर्टेड है उनके लिए, यूक्रेन पर तो पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही है, लेकिन रशिया को ये युद्ध और स्पिल ओवर होने का कितना बड़ा खतरा है? रशिया यूक्रेन लेने में उसको मुझे नहीं लगता है 72 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। एब्सोल्युटली तरीके से रशिया डिप्लॉयड है और जहाँ बेलारूस में है उनका पूरा ट्रेनिंग उधर हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, बेलारूस रशिया के साथ खड़ा है। अटैक हेप्टर्स नहीं, वहाँ पे काफ़ी कुछ होएगा, बिकॉज नॉर्दर्न पिंसर जो आएगा अगर हमला होता है तो। पर क्या रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा? मुझे नहीं लगता है हमला करेगा। बातचीत से ही मसला हल होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत पारंपरिक संबंध है और वो संबंध यही नहीं, और यूक्रेन जो है 4 करोड़ का देश है लेकिन 60 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की काबिलियत सिर्फ यूक्रेन में है और रूस की जो आबादी है वो सिर्फ 14 करोड़ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और यही नहीं, क्रुश्चेव और ब्रेजनेव दोनों के दोनों यूक्रेनियन खून बह रहे हैं उनमें। ऐसे हालात में रशिया कभी भी नहीं, रशिया के ऊपर उकसाने के लिए अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है, रूस अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, और रूस मैसेजिंग दे रहा है अमेरिका को भी और सबको। यही नहीं, फूट पड़ चुकी है, आप देखेंगे जो गैस, अगर यूएस से गैस लेगा जर्मनी, 1000 डॉलर का रेट है, और वही गैस जब रूस से आता है $270 का रेट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदा, जर्मनी खुद नहीं चाहते, जर्मनी डिप्लॉय करे ट्रुप्स नहीं, वो ह्यूमैनिटेरियन एड कहेगा, मेडिकल एड कहेगा, सब कहेगा, पर ट्रुप्स नहीं डिप्लॉय करे, फ्रांस करेगा नहीं करेगा। तो नाटो के 30 देश मिलकर के भी आज की तारीख में रूस को हरा नहीं सकते। रूस अगर चाहे यूक्रेन को 72 घंटे के अंदर ले सकता है, वो नहीं करेगा। उसका मकसद है यूक्रेन वैसे ही आ जाएगा, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, अमेरिका ने सिर्फ कहना है। ठीक है सर, इसमें एक सवाल है मेरा, प्रोफेसर राजन, एग्जिट रूट क्या है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक एकेडमिक काउंसिल है, हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, नेटो उसमें कोई स्पाइन नहीं है और नेटो में कोई शार्पनेस, कोई एज भी नहीं है, अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट आउट इन एक्सपोज, आप यूरोपियन कंट्रीज एक तरीके से एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही हैं, व्हाट इज द एस्केप रूट? देखिए, इस तरह के जो झगड़े होते हैं उसमें दो ही रूट होता है, या तो झगड़ा कर लीजिए और अपने बैलेंस को फिर से इस्टेब्लिश कर लीजिए, स्टेबिलिटी जो आती है। दूसरा यह है कि वह चूंकि वार ऑप्शन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है स्टेट्स के लिए, और रूस भी जानता है, यूक्रेन भी जानता है और नेटो भी जानता है, तो वो भी अभी जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं और डिप्लोमेटिक रास्ता में जो मिन्स्क टू अग्रीमेंट है, और हमारे राजनयिक साहब बोल रहे थे वो नॉर्मेंडी फॉर्मेट में, तो उसमें रूस केवल यही चाहता है कि यूक्रेन जो डोनबास रीजन है वह उसको वो ऑटोनोमस स्टेटस एक्सेप्ट करे। देखिए, अब आपने मिन्स्क की बात की, वो बुडापेस्ट एग्रीमेंट की बात करते हैं, एक तरफ मिन्स्क आ जाता है, वो बुडापेस्ट की बात करते हैं, वो उससे रशिया को काउंटर करते हैं, रशिया मिन्स्क का बात करता है। मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें एग्जिट रूट क्या है, लेकिन इस वक्त मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और जरा ध्यान से देखें आप, जो रशिया की पोल खोलने वाली तस्वीर है, रूस से जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, रूस के झूठे दावों की पोल खोलती तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरों में रूस की तैनाती बड़ी, नंबर वन यूक्रेन से मिनट की दूरी पर तैनात फाइटर, तोप, टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर, सैनिकों की तैनाती, यह भी साफ दिखाई दे रहा है। मिलरोवो एयरफील्ड की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, मैं चाहूंगा इसके विजुअल्स वगैरह बगल में थोड़ा और दिखाएं। इसके बाद एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि रूस के सभी दावों की पोल खोलने वाली खबर, एक दिन में 900 बार सीज फायर का उल्लंघन, यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैनिक लगातार हमलावर हैं, डोनेस्क और लुहांस में गोला बारूद बरसा रहा है रूस, स्पेशल मॉनिटरिंग मिशन की रिपोर्ट सामने आई। यहां पर सर बहुत शार्प रिएक्शन, ये जो प्रीटेक्स्ट की बात कर रहा है अमेरिका, एट सम प्रीटेक्स्ट रशिया विल अटैक, क्या ये वो प्रिटेक्स्ट हो सकता है और इट हैज बीन स्ट्रेच्ड अ बिट टू मच और ये धीरे धीरे और फैलेगा? देखिए निशान, जब वो प्रिटेक्स्ट की बात करते हैं तो वो 2008 की बात करते हैं कि 2008 में अगर आपको याद होगा तो कुछ प्रोवोकेशन हुई थी
और जॉर्जिया ने भी थोड़ा मिसकैलकुलेशन करके अबखाजिया और साउथ ओसेचिया को ज़बरदस्ती अपना इंटीग्रेट करने की कोशिश करी और वहाँ रशियन नेशनल्स को प्रोटेक्ट करने की प्रिटेक्स पे रशिया ने इंटरवीन किया। 7 दिन का लड़ाई हुई और अबखाजिया और साउथ ओसेचिया जो जॉर्जिया के 2 ब्रेकअवे रीजन्स हैं उनको इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया। अल्टीमेटली पूरे यूक्रेन पे रशिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर रशिया इस यूक्रेन को एक डिस्प्यूटेड स्टेट भी बना देता है तो ऑटोमेटिकली नेटो के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है रशिया इस चीज को लेके वरिड है कि यूरोप का इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट ज्यादा है? यूरोप और इन सबका इंटरेस्ट यही है कि यूक्रेन शामिल हो जाए। अमेरिका का इंटरेस्ट है बेसिकली कि बिल्कुल उसके बैकयार्ड में आके खड़े हो जाएं और वही फ्लैश पॉइंट है, वही रेड लाइन है। और अगर इसमें डोनेट्स्क और लुहांस की अगर रिकॉग्निशन हो जाती है या फिर वहाँ लड़ाइयाँ चढ़ती रहती हैं, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर हो जाता है तो जैसे जॉर्जिया की नेटो मेंबरशिप नहीं बन पा रही वैसे यूक्रेन की नहीं बन पा रही, सॉल्व हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।